हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज स्पेशल सीरीज का एक और नया एक्ट, और ये एक्ट अभी इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका नाम है द सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। और ये वाला हम एक्ट 3 वीडियोस के अंदर ख़त्म कर देंगे, जिसके अंदर आज हमारा पहला वीडियो होगा जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 10 तक इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सिर्फ 30 सेक्शन हैं, तो हम हमारी कोशिश रहेगी कि 3 या 4 वीडियोस के अंदर इसको हम ख़त्म करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा राजस्थान सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट। तो शुरू करते हैं। एक्ट का नाम है हमारा द सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 एक्ट का नाम है। और अगर हम बात करें इस एक्ट का, एक्ट नंबर होगा हमारा एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013, मतलब 2013 में पास होने वाला 14th नंबर का एक्ट अगर कोई है तो वो कौन सा हुआ, सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एंड एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसकी अगर हम बात करें एनेक्टमेंट डेट की, तो वो है हमारी 22 अप्रैल 2013। अगर हम इसकी बात करें एनफोर्समेंट डेट की, 9 दिसंबर 2013। अगर हम इसकी बात करें नोटिफिकेशन डेट की, तो वो है इसकी 9 दिसंबर 2013। मतलब नोटिफिकेशन डेट और एनफोर्समेंट डेट दोनों इसमें सेम है। अगर हम इस एक्ट की बात करें, तो इसमें टोटल चैप्टर है 8 और टोटल सेक्शन है हमारे 30, और हम आज वाले सेक्शन में 10 सेक्शन कवर करेंगे। टाइम कितना लगेगा मुझे भी नहीं पता, होने को आधे घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला देखते हैं हम इसका प्रीएम्बल क्या कहता है। एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ अ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड द फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंटल देयर। मतलब ये एक्ट किस इसका मेन मकसद क्या था, कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है वुमेन के साथ उसकी प्रोटेक्शन हो। अब हरासमेंट कहाँ होगा, वर्क प्लेस में होगा। मतलब वर्क प्लेस में होने वाला कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। या और इसका दूसरा मोटिव क्या है, द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ी हुई जो भी शिकायतें हैं उसका निस्तारण कैसे हो, उसका निपटारा कैसे हो, उसके लिए भी ये एक्ट बनाया गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे लिंक अप करेंगे, वो हम देखते हैं। वेयर एज सेक्सुअल हैरेसमेंट रिजल्ट इन वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ ले कि हैरेसमेंट ऑफ वुमेन से वुमेन का कौन सा फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, तो होता है आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 15 का। ये आपको बात ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। एंड हर राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी अंडर 21, आर्टिकल 21 भी इससे वॉयलेट होता है। किससे, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर किए गए। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, टू कैरी ऑन ट्रेड बिजनेस विच इंक्लूड्स आर राइट टू सेफ एनवायरमेंट एंड फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। मतलब ये सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के इस एक्ट से प्रभावित होते हैं। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे अगर हम बात करें इस एक्ट का लिंकअप किससे, इंटरनेशनल अथॉरिटी से, तो उसका भी देख लेते हैं।
वेयर एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एंड द राइट टू द वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कन्वेंशन टू द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन विच हैज़ बीन रेटिफाइड ऑन 25 जून 1993 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डेट आपको याद रखनी है कि रेटिफिकेशन कब हुई थी, 25 जून 1993 को, यह आपको डेट याद रखनी है। अब हम आते हैं सीधा हमारा चैप्टर वन के अंदर। अगर हम बात करें चैप्टर वन की, तो चैप्टर वन इसका है प्रिमिलिन सेक्शन। और क्या कहता है सेक्शन वन? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल की बात करेंगे तो इसमें सिंपल सा लिख दिया गया है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। कोई दिक्कत नहीं है, और ये पूरे भारत में लागू हो गया है 31/10/2019 से। इसकी एंट्री नंबर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है, वरना अगली वीडियो के अंदर तो मैं आपको बता ही दूंगा। इट शेल कम इन टू अ फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट। अब मैंने ऊपर बताई थी आपको एनफोर्समेंट की डेट 9 दिसंबर 2013, इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये हमारा हो गया सेक्शन वन यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेक्शन टू डेफिनेशन पार्ट, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन टू डेफिनेशन क्या कहती है? इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। अब सेक्शन टू ए कहता है एग्रीव्ड वुमेन। एग्रीव्ड वुमेन कौन होंगे देख लेते हैं। एग्रीव्ड वुमेन हमें कहाँ दे रखा है इस एक्ट के अंदर? सेक्शन टू ए के अंदर। देखते हैं, पॉइंट वन कहता है एग्री वुमेन, अगर हम किसी वर्क प्लेस के संबंध में बात करें, इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, तो वो कौन होगी? अ वुमेन ऑफ एनी एज, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, हु एलेक्ट टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रिस्पोंडेंट। किसी भी एज ग्रुप की महिला हो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो ना हो, जिसके ऊपर इस एक्ट के तहत सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो कौन कहलाई जाएंगी? एलेक्ट वुमेन कहलाई जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पॉइंट टू देख लेते हैं। इन रिलेशन टू ड्वेलिंग हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, अ वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। अगर वर्क प्लेस की बात करेंगे, किसी भी एज की महिला हो, एम्प्लॉयड हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी महिला के साथ इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ हो? सेक्सुअल हरेसमेंट की कोशिश की गई हो, इसके द्वारा, रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो वो महिला कौन कहलाई जाएंगी? एग्रीव्ड वुमेन कहलाई जाएंगी। पॉइंट टू में क्या कह दिया गया? किसी भी ड्वेलिंग हाउस या किसी भी ड्वेलिंग प्लेस के अंदर कोई भी महिला हो, एम्प्लॉयड हो, जिसके साथ इस एक्ट के अंतर्गत सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की गई हो, तो वो भी क्या कहलाई जाएंगी? एग्रीव वुमन कहलाई जाएंगी। हमारा ये सेक्शन टू है, यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन टू बी। सेक्शन टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होंगी? अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम पढ़ें, इससे पहले मेरा आपसे सवाल है, कि सीआरपीसी में हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहाँ पढ़ के आए थे? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सेक्शन टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? इन रिलेशन टू, अगर किसी वर्क प्लेस के संबंध में हम बात करेंगे, इन रिलेशन टू वर्क प्लेस विच इज एस्टेब्लिश्ड, विच इज ओन्ड, विच इज कंट्रोल्ड होली और सब्सटेंशली फाइनेंस बाय द फंड,
प्रोवाइड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी ऐसे वर्क प्लेस हो जो कि एस्टेब्लिश की गई हो, ओन्ड की गई हो, कंट्रोल्ड हो, होली हो या कुछ पार्ट में हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अगर हम बात करें केंद्र सरकार के अंदर, कोई भी ऐसी वर्क प्लेस जो कि केंद्र सरकार या यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आ रही है, चाहे उसको ओन्ड किया हो, चाहे उसको एस्टेब्लिश किया हो, चाहे उसको कंट्रोल किया हो, चाहे वो होली हो, कुछ पार्ट में हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो। और अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 एंड फॉलिंग विद इन इट्स टेरिटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, या तो करेगी केंद्र सरकार या करेगी राज्य सरकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2C, चेयरपर्सन कौन होगा। सेक्शन 2C, चेयरपर्सन कौन होगा, देख लेते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा? वो आदमी होगा जो कि अपॉइंट होगा लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर, सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 के अंदर। क्या लिखा है? द चेयरपर्सन ऑफ अ लोकल कंप्लेंट कमेटी। चेयरपर्सन किसका होगा? लोकल कंप्लेंट कमेटी का होगा। और उसकी अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर होगी? नॉमिनेटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, मतलब चेयरपर्सन की जो नॉमिनेशन होगी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसका होगा? लोकल कंप्लेंट कमेटी का होगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा। एन ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5, वो ऑफिसर जो सेक्शन 5 में नोटिफाइड है वो हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और अगर हम बात करें किसकी? चेयरपर्सन की, सेक्शन 1 सेक्शन 7 क्लॉज 1 के। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक वर्कर कौन होगा। सेक्शन 2E, डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमेन हु इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर रेम्यूनरेशन, वेदर इन कैश और काइंड और आइदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, ऑन टेम्प्रेरी परमानेंट और पार्ट टाइम फुल टाइम बेसिस, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब अगर हम डोमेस्टिक की वर्कर की बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन होंगी? महिला होंगी, वो क्या होंगी? एम्प्लॉयड होंगी। किसमें? किसी भी हाउस होल्ड वर्क के अंदर, चाहे, और वो किसके लिए काम करेगी? रेमुनरेशन के लिए। अब चाहे वो रेमुनरेशन उसको कैश में मिले, चाहे उसको काइंड में मिले, चाहे वो डायरेक्टली हो या किसी एजेंसी के द्वारा हो, या टेम्प्रेरी बेसिस पे हो, परमानेंट बेसिस पे हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? उस एम्प्लॉयर के फैमिली मेंबर, उस एम्प्लॉयर के फैमिली मेंबर को हम एज अ डोमेस्टिक वर्कर इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं एम्प्लॉय कौन होते हैं। सेक्शन 2F, एम्प्लॉय कौन होंगे? अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, रेगुलर बेसिस, टेम्प्रेरी बेसिस, एडहॉक बेसिस, डेली वेज बेसिस, चाहे वो डायरेक्टली आया हो, थ्रू एजेंट आया हो, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट, और वर्किंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज, वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इंक्लूड्स को वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटाइज और कॉल्ड एनी अदर सच थिंग। क्या बोला? एम्प्लॉय वो हर एक आदमी होगा जो कि काम कर रहा है वर्क प्लेस के अंदर, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो, टेम्प्रेरी बेसिस पे हो, एडहॉक बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे हो, या वो खुद नियुक्त हुआ हो या किसी एजेंसी के द्वारा हो। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे? इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉय के अंदर आएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा, तो बिल्कुल आएगा, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर।
अब इसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जानकारी में होना जरूरी नहीं है, जानकारी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे वो एम्प्लॉय किसी रेमुनरेशन के लिए काम कर रहा हो या किसी रेमुनरेशन के लिए काम ना कर रहा हो, वर्किंग वो अपनी सह इच्छा से काम कर रहा हो वॉलंटरी बेसिस पर, वेदर द टर्म एम्प्लॉयड अब एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कुछ भी हो सकता है, इंक्लूड द को वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटाइज और एनी अदर सच नेम, किसी भी नाम से जाना जाता हो वो एम्प्लॉय कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2G, अभी हमने पढ़ा सेक्शन 2F एम्प्लॉय, अब हम 2G में पढ़ेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को काम में रखेगा वो एम्प्लॉय, जो किसी एम्प्लॉय को काम में रखेगा वो एम्प्लॉयर हो गया। तो देख लेते क्या लिखा है, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी अंडरटेकिंग, एनी एस्टेब्लिशमेंट, एनी एंटरप्राइज, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑफिस, एनी ब्रांच, एनी यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑफ लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट ऑफ सच अदर ऑफिसर एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज द केस मे बी बाय स्पेसिफाइड ऑर्डर इन दिस बिहाफ। मतलब किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाला कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच या फिर किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर, उसका कोई डिपार्टमेंट, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका कोई अंडरटेकिंग, उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट, उसका कोई एंटरप्राइजेस, उसका कोई इंस्टीट्यूशन, उसका कोई ऑफिस, उसका कोई ब्रांच, उसका कोई यूनिट, वो सभी क्या कहलाए जाएंगे, एम्प्लॉयर में कहलाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर सबसेक्शन 1, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट सुपरविजन कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस, अगर कोई ऐसी बात जो सबसेक्शन 1 में कवर नहीं हुई है, तो वो हर एक आदमी जो कि जिम्मेदार है किसके लिए, उस वर्क प्लेस की मैनेजमेंट के लिए, उस वर्क प्लेस की सुपरविजन के लिए या उस वर्क प्लेस की कंट्रोल के लिए। इतनी बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्या होगा, पर्सन, बोर्ड, कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी कमेटी हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, फॉर्मुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस के लिए। अगला, इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2, द पर्सन डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज। अगर वर्क प्लेस 1 और 2 के अंदर कोई कवर हो रहा है, तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी आता है ना, वो भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा। आगे, इन रिलेशन टू द ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अ पर्सन और अ हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर, टाइम पीरियड और टाइप ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड और द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डोमेस्टिक वर्कर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2H, इंटरनल कमेटी। वो कमेटी होगी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के नाम से जानी जाएगी और कहाँ दे रखी है, सेक्शन 4 के अंदर। लोकल कमेटी, इसको हम जानेंगे लोकल कंप्लेंट कमेटी के नाम से और ये हमें दे रखे सेक्शन 6 के अंदर। मेंबर, ये मेंबर कौन होंगे, ये मेंबर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर भी होंगे या फिर ये लोकल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर होंगे, कोई से भी हो सकते हैं। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? जो भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के अंदर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसके अंतर्गत किया जाएगा? 4 क्लॉज 2 के अंदर। और नॉमिनेशन होगा किसके अंदर? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है। रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ एग्री वुमेन ने कंप्लेंट करी है अंडर सेक्शन 9 वो होगा रिस्पोंडेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू एन सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या होगा? इसके अंदर कोई भी एक या उससे ज़्यादा एक्टिविटी जो आगे बता रखी है, अगर वो एक्टिविटी किसी महिला के साथ हुई तो वो किस कैटेगरी में आएगी? सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगी। इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और इम्प्लीकेशन, नेमली अब वो एक्टिविटी कौन कौन सी है? फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ये भी क्या होगा? सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, ये भी आएगा। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इसके अलावा अगर कोई और कंडक्ट भी है, कोई और एक्शन भी है, वो भी क्या आएगा? सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वर्क प्लेस, सेक्शन 2O वर्क प्लेस क्या कहता है? इंक्लूड्स एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रांच यूनिट विच इज एस्टेब्लिश ओन्ड कंट्रोल्ड होली और सब्सटेंशली फाइनेंस फंड प्रोवाइड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द लोकल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी के द्वारा, किसी भी कॉरपोरेशन के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, क्या की गई हो? फंडिंग की गई हो, चाहे होली हो या चाहे पार्टली हो। फंडिंग किसके लिए की गई हो? किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी अंडरटेकिंग को, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ऑफिस को, किसी भी ब्रांच को, क्या किया हो? एस्टेब्लिश किया हो, ओन्ड किया हो, कंट्रोल्ड किया हो, कैसे भी किया हो, तो वो क्या होगा? वर्क प्लेस होगा। ये तो हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की बात। कौन सेक्टर की बात? गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा। एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट वेंचर अंडरटेकिंग एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट सोसाइटी ट्रस्ट एनजीओ यूनिट सर्विस प्रोवाइडर कैरिंग ऑन कॉमर्शियल प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशनल एंटरटेनमेंटल इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विस फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन सप्लाई सेल डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज। किसी भी तरीके की सर्विसेज हो, किसी भी तरीके की सर्विस हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, किसी भी वेंचर के द्वारा, किसी भी अंडरटेकिंग, इन सब के द्वारा कोई भी सर्विसेज दी जा रही हो तो वो भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएगा। अब इसके अंदर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी क्या है? वर्किंग प्लेस है। क्या है? वर्किंग प्लेस। कौन है? हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हो, स्टेडियम हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, कंपटीशन हो, गेम वेन्यू हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो या ना हो, चाहे वो ट्रेनिंग में यूज़ करते हो या ना करते हो, या किसी और एक्टिविटी में यूज़ करते हो, वो भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएंगे। एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग जर्नी अ ड्वेलिंग हाउस प्लेस ऑफ हाउस, ये भी क्या होंगे? वर्किंग प्लेस के अंदर आएंगे।
आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रिलेशन टू वर्क प्लेस मीन्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंगेज इन प्रोडक्शन सेल ऑफ गुड्स प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड व्हाट्स एवर एंड वेयर एंटरप्राइज एम्प्लॉयर वर्कर नंबर ऑफ सच लेस देन 10। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होगा जिसके अंदर वर्कर की संख्या 10 से कम होगी, और ऑर्गेनाइज कौन सा होगा जिसके अंदर वर्कर की संख्या 10 से ज्यादा होगी। ऑर्गेनाइज 10+ और अनऑर्गेनाइज लेस देन 10। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर हम 3 की बात करें तो ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। क्या कहता है? नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी प्लेस। किसी भी वुमेन के साथ वर्क प्लेस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया जाएगा। देख लेते हैं सबसेक्शन 2। द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमॉन्ग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विद एनी एक्ट बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मे अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। अब इन सब में से दी गई कोई भी अगर कैटेगरी आती है या कोई भी कैटेगरी मौजूद होती है तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल हरासमेंट। अब ये क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के दौरान हम किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का वादा करें। एम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डिटर्मिनेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमें कीवर्ड याद रखना है डिटर्मिनेंटल ट्रीटमेंट, और ऊपर वाले में हमने याद रखना है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। आगे एम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। उसको वो धमका देंगे कि भैया अगर तूने ऐसा काम नहीं किया तो तेरी जॉब खतरे में हो सकती है। इंटरफेरेंस विद हर वर्क क्रिएटिंग एंड इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट और हर उसके काम में बाधा डालना उसके काम में दिक्कत देना उसको ऑफेंसिव करना गालियां देना जो भी आप समझो। ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। उसकी हेल्थ और सेफ्टी को खतरे में डालते हुए उसके साथ ह्यूमिलिएशन करना ये भी क्या होगा सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक ये बात हमें क्लियर है। सेक्शन 3 हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर चैप्टर नंबर 2 हम कल डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया है और कल हम चैप्टर नंबर 2 से आगे डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा गले में दिक्कत आ रही है इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। कल हम आगे इसको को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर। कल सेम टाइम पर दोबारा मिलते हैं। गुड डे।